सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनइंडिंग एजुकेशन। सो आज के हमारी इस वीडियो में हम लोग हमारी विस्टार्स बुक का चैप्टर नंबर 4 द एनिमी पढ़ेंगे। सो जानते हो दोस्तों, जब मैंने इस चैप्टर को खोल के देखा तब मेरा रिएक्शन कुछ इस टाइप का था। क्या उधर भैंस चढ़ी क्या उधर? क्या ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। तो जब मैं आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने बोलता हूँ तो मुझे ये पता है कि आप लोगों में से 90% लोग हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए चुकु मुकु बस वीडियो को देख के चले जाते हैं। तो आप लोग मेरी बात तो नहीं सुनते हो, शायद इसकी बात सुन लो। सो दोस्तों, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक करके कॉमेंट करके ये जरूर बताएगा कि आज का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। सो गाइस, बहुत इधर उधर की बातें कर ली, अब चैप्टर के मुद्दे पे वापस आते हैं। सो इस चैप्टर का तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत ज्यादा लंबा है, बट मैं आप लोगों को इस चैप्टर का ऐसा शॉर्ट समरी बताऊंगा कि आपको ये चैप्टर पूरे अच्छे से समझ आ जाएगा, बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलो अब मैं आप लोगों को स्टोरी के पहले मेन कैरेक्टर के बारे में बता देता हूँ। सो हमारी फर्स्ट मेन कैरेक्टर है डॉक्टर सदाओ, जो कि हमारे पूरे स्टोरी की सबसे मेन कैरेक्टर है और ये एक सर्जन के साथ साथ एक डॉक्टर भी थे। सेकंड कैरेक्टर है डॉक्टर सदाओ की वाइफ, जिसका नाम हाना था। हमारा थर्ड कैरेक्टर है एक अमेरिकन प्रिजनर जिसका नाम टॉम था और वो जापान के जेल में बहुत दिनों से कैद था। फोर्थ कैरेक्टर है जापान का एक क्रूएल जनरल जिसका नाम ताकीमा था। तो दोस्तों, पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर का एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ। तो ये स्टोरी है वर्ल्ड वॉर 2 का, जब अमेरिका और जापान के बीच लड़ाई चल रही थी और अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर अटैक किया था और जापान को बर्बाद कर दिया था और इसी के साथ वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था। तो ये स्टोरी है एक अमेरिकन प्रिजनर के बारे में जो सी में वॉश आउट होकर जापान की सी कोस्ट में आ गया था घायल होकर, और सी कोस्ट में डॉक्टर सदाओ का घर था। तो वो प्रिजनर को बहुत चोट लगी हुई थी। तो इस स्टोरी में हम लोग ये देखेंगे कि डॉक्टर उसकी हेल्प करता है कि नहीं। इसीलिए समझ रहे हो ना। तो चलिए दोस्तों, आज का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो डॉक्टर सदा होकी का घर जापान के एक सी कोस्ट पे था। सदा होकी के पापा बहुत सीरियस इंसान थे, उन्होंने कभी भी अपने बेटे के साथ मजाक नहीं किया था क्योंकि वो चाहते थे कि सदा होकी पढ़ लिख के एक बड़ा आदमी बने। तो 22 ईयर की एज पर सदाओ को उनके फादर अमेरिका भेज देते हैं ताकि वो अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंप्लीट कर पाए। वहाँ पे वो मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, मेडिकल में वो सर्जरी सीखते हैं। तो 8 साल बाद वो जापान लौटते हैं एक सर्जन बनकर। सदाओ के फादर उन्हें बड़ा सर्जन बनते हुए देख लेते हैं, बट कुछ दिनों के बाद उनकी डेथ हो जाती है, यानी कि सदाओ के फादर की डेथ हो जाती है। सदाओ हाना नाम की एक लड़की से अमेरिका में मिलता है और उसे हाना से प्यार हो जाता है, लेकिन सदाओ हाना को तब तक प्रपोज नहीं करता है जब तक उसे ये पता नहीं लग जाता कि वो एक जापानीज गर्ल है, क्योंकि उसे पता था कि उसके फादर कभी भी अमेरिकन गर्ल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए वो पहले श्योर हो जाता है कि हाना अमेरिकन तो नहीं है ना। सदाओ हाना को पहली बार एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर पे मिलता है और वहीं से उसे हाना से अट्रैक्शन हो जाता है। उसके बाद सदाओ हाना को प्रपोज कर देता है और जापान में आकर उससे शादी कर लेता है। वो बहुत ही खुश रहते हैं। फिर कुछ समय बाद उनके दो बच्चे भी होते हैं। अब एक दिन सदाओ और हाना बीच पे घूम रहे थे और वो दिन बहुत ही फॉगी था। अब वो दूर से एक आदमी को घुटने पे रेंगता हुआ देखते हैं और जैसे ही वो उसके पास जाते हैं तब वो सर के बल वहां गिर जाता है। फिर वो देखते हैं कि वो ओशियन में बहकर आया है और उसे गोली भी लगी हुई थी और उसके बॉडी से खून भी निकल रहा था। फिर हाना
पास जाकर देखती है कि उसके कैप में अमेरिकन नेवी लिखा था, मतलब कि वो वॉर का एक बंदी था। तो डॉक्टर सदाव एक डॉक्टर थे और उनका ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि वो कोई भी पेशेंट की जान को बचाए, और दूसरी तरफ वो एक सिटीजन भी थे और उनका वॉर भी चल रहा था अमेरिका के साथ, और उनका ये भी फर्ज था कि वो वॉर के बंदी को जापान की आर्मी को वापस सौंप दे। अब हाना और डॉक्टर सदाव एक धर्म संकट में फंस जाते हैं, लेकिन वो अपने दिल की सुनते हैं और उसे अपने घर पे ले जाते हैं। अब जैसे ही वो उसे अपने घर पे ले जाते हैं तो वहाँ के सारे नौकर नाराज हो जाते हैं और वो कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए और इसे जापान की आर्मी को वापस सौंप देना चाहिए। अब डॉक्टर सदाव उस अमेरिकन प्रिजनर जिसका नाम टॉम था उसके वाउंड को धोने के लिए बोलते हैं एक मेड को, और वो इस काम को करने से मना कर देती है और अपने दूसरे काम में करने के लिए चली जाती है। फिर हाना गर्म पानी से टॉम की चोटों को धो देती है और हाना उस प्रिजनर की ऑपरेशन में भी मदद करती है, और फिर ऑपरेशन के बाद डॉक्टर सदाव वो गोली निकाल देते हैं और वो प्रेडिक्ट करते हैं कि टॉम वापस से हेल्दी हो जाएगा। थोड़ी देर बाद उस यंग प्रिजनर को होश आ जाता है और वो बहुत ही घबराया होता है क्योंकि वो बिल्कुल ही नया जगह पे था। अब हाना उसे बोलती है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप अभी सेफ जगह पे हो और आपकी गोली भी हमने निकाल दी है और आप कुछ दिनों में एकदम फिट हो जाओगे। अब जब डॉक्टर सदाव जब वहाँ जाते हैं तो टॉम उनसे पूछते हैं कि आप मेरे साथ क्या करने वाले हो, तो डॉक्टर सदाव कुछ भी रिप्लाई नहीं करते इस बात का और वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर वहाँ के नौकरों को एकदम अच्छा नहीं लगता है। अब डॉक्टर सदाव टॉम को रेगुलर एक्सरसाइज और उसका अच्छे से ख्याल रख रहे थे, और कुछ दिनों बाद टॉम को वो बोलते हैं कि तुम्हारे टाके अब कट गए हैं और तुम 14 से 15 दिनों के अंदर एकदम फिट हो जाओगे। ये सब देख के वहाँ के नौकरों को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, वो ये सब देखकर एकदम खुश नहीं थे। अब सातवें ही दिन वहाँ पे सारे नौकरों ने काम छोड़ दिया और हाना अच्छी मालकिन का फर्ज निभाते हुए उन लोगों को उनके पैसे दे देती है। अब इस स्टोरी में एक क्रूएल जनरल की एंट्री होती है जिसका नाम ताकीमा था। तो जनरल ताकीमा थोड़ा बीमार चल रहे थे उस टाइम पे, और उसे ये पता चल जाता है कि डॉक्टर सदाव ने अपने घर पे एक अमेरिकन प्रिजनर को रखा है। तो पहले तो वो एकदम गुस्सा हो जाते हैं डॉक्टर सदाव पर, बट उस जनरल को ये पता था कि डॉक्टर सदाव एक बहुत अच्छे सर्जन है, तो वो सोचते हैं कि अगर वो डॉक्टर सदाव को पकड़वा देते हैं और उसे बाय चांस अगर फांसी हो जाती है और अगले ही दिन जनरल का सर्जरी होनी थी तो उसकी सर्जरी कौन करता, क्योंकि जनरल को बाकी के डॉक्टर्स पे ज्यादा भरोसा नहीं था और जनरल के जान पर भी आ सकती थी। तो अब जनरल एक प्लान बनाता है और डॉक्टर सदाव के पास जाता है और उनसे बोलता है कि हम इस अमेरिकन प्रिजनर को चुपचाप मरवा देते हैं। तो शॉकिंगली मिस्टर सदाव बोलते हैं ठीक है, आप कुछ एसेसियन को भेजना और वो उस अमेरिकन प्रिजनर को मार देंगे। डॉक्टर सदाव ये बात अपनी वाइफ को भी नहीं बताते, वो बस डायरेक्ट अमेरिकन प्रिजनर के रूम में जाते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हें आज रात में ही यहाँ से निकलना है। फिर वो उस अमेरिकन प्रिजनर के लिए एक बोट तैयार करते हैं और उसमें खाना और कपड़े रखवा देते हैं और उसे अलविदा कह देते हैं। फिर वो अमेरिकन प्रिजनर डॉक्टर सदाव से हाथ मिलाता है और उन्हें थैंक्स बोलता है जो भी उन्होंने किया उस बात के लिए, और फिर वो बोट में बैठता है और फिर अंधेरे में गायब हो जाता है। इस एक्शन पे जनरल भी कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो खुद में ही बीमार था और उसे उस टाइम पे डॉक्टर सदाव की जरूरत भी थी, इसलिए वो डॉक्टर सदाव के साथ कुछ नहीं करते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा ये एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है।
आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट को पढ़ के अच्छा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't.